और बड़ी खबर भोपाल से, दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र होने जा रहा है। 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा विधानसभा का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद राजभवन इस फाइल को भेजा जाएगा। 19 से 23 दिसंबर शीतकालीन सत्र की तारीख हो सकती है, ये संभावना है, लेकिन 5 दिवसीय सत्र होगा ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा। 19 से 23 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है शीतकालीन सत्र की। विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद राजभवन फाइल भेजी जाएगी। चलिए जानकारी लेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का रुख करते, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या जानकारी मिल रही है 19 से 23 दिसंबर शीतकालीन सत्र की तारीख? देखिए, जैसा आप कह रही थी 5 दिवसीय सत्र ये रहेगा, शीतकालीन सत्र होगा। इसकी कार्रवाई भी लगभग हो गई, राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए इसको पहुंचाना है। संभावना यही है कि आज कल में इसको पहुंचा दिया जाएगा मंडे तक, और उसके बाद अनुमोदन मिलने के बाद तारीख तय हो जाएगी। लेकिन 19 से 23 तारीख तक का ये सत्र होना है। सत्र में कई तरह के अनुमोदन होंगे, बजट का अनुमोदन होगा, अनुपूरक बजट दिखाई देगा, लेकिन बाकी आगे के काम के लिए अनुपूरक बजट की जरूरत होती है, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है सत्र में। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। कल कांग्रेस की एक बैठक भी बुलाई गई है इसी बात को लेकर कि आगे यदि सत्र होता है तो हम किस तरह सरकार को घेरेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, उसकी तैयारी अभी से करना है। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सत्र जो रहेगा काफ़ी हंगामेदार होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच में राहुल गांधी की यात्रा भी है, तो यात्रा के बाद ही ये सत्र होगा, तो कांग्रेस भी एक अलग मोड पर दिखाई देगी। पर सरकार की अपनी तैयारियां हैं, विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं। 19 से 23 तक ये सत्र होगा शीतकालीन सत्र, जिसमें कई तरह के अनुपूरक बजट और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारी चर्चा हो सकती है, चाहे किसान से जुड़ा खाद का मुद्दा हो या फिर पानी बिजली को लेकर जिस तरह से सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन विपक्ष यदि घेरेगा तो सरकार की तरफ से भी अपनी तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण सत्र। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, तारीख सामने आ चुकी है मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। 5 दिवसीय सत्र जो कि 19 से 23 दिसंबर तक रहेगा, शीतकालीन सत्र की तारीख है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद राजभवन इस फाइल को भेजा जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि इस सत्र में उठाए जाएंगे, विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में रहेगा, साथ ही सरकार की भी अपनी तैयारियां रहेंगी।